इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान की धरती पर आज तक कोई भी शासक ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है, फिर चाहे वो सिकंदर हो या ब्रिटिश सरकार, नूर मोहम्मद तराकी हो या फिर हाफिजुल्ला आमिन, यूएसए हो या रशिया, सबको एक समय के बाद हार मान कर या तो उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है या फिर अपनी जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार, पंजाब खबर विचार में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं अफगानिस्तान और उस पर हो रहे तालिबानी हमलों के बारे में। सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर आपने अफगानिस्तान की तस्वीरें और वीडियोस तो देखी ही होंगी, जहां हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए हैं और देश छोड़कर जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों की तो प्लेन से गिरकर मौत तक हो गई है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ वहां के प्रेसिडेंट अशरफ घानी भी देश छोड़कर जा चुके हैं और अब सत्ता तालिबान के हाथों में आ गई है। पहले बात करते हैं कि तालिबान है कौन। सन 1994 में मुल्ला उमर ने 50 लोगों के साथ इसकी शुरुआत की थी और आज 85,000 के करीब यह लोग हो चुके हैं। यह लोग सुन्नी मुसलमान धर्म का पालन करते हैं और इनकी कट्टरता की कोई सीमा नहीं है। इनको एक्सट्रीमिस्ट कहकर बुलाना शायद सही रहेगा, पर सिर्फ यही नहीं, यह शासन नहीं करते बल्कि आतंक फैलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तालिबान पहली बार अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, इससे पहले भी सन 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानियों ने ही अफगानिस्तान पर राज किया है। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर राज तो किया लेकिन पंजशीर घाटी पर नहीं, तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में हिंदू कुश में स्थित है। यह क्षेत्र 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। इस घाटी में 1.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं। अमरुल्ला सोलेह का जन्म पंजशीर प्रांत में हुआ और वह वहीं ट्रेन हुए थे। इस क्षेत्र को कभी भी कोई जीत नहीं सका, ना सोवियत संघ, ना अमेरिका और ना ही तालिबान। आखिर तालिबानियों ने यहाँ हमला क्यों नहीं किया? दरअसल तालिबान ने अब तक पंजशीर पर हमला नहीं किया है क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पंजशीर घाटी एक ऐसी जगह है जो इसे प्राकृतिक किला बनाता है और इसे हमला ना होने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। इस घाटी को नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है। यह अलायंस 1996 से लेकर 2001 तक काबुल पर तालिबान शासन का विरोध करने वाले विद्रोही समूहों का गठबंधन था। एक बार फिर यह अलायंस तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय हो चुका है। तालिबान की खिलाफत करने वाले सोलह भी इसी घाटी में हैं। अब तालिबानियों के राज में लोगों के साथ क्या हुआ, यह जानकर तो आपकी रूह ही कांप जाएगी। तालिबानियों के राज में औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं थी। 10 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़की स्कूल नहीं जा सकती थी। कोई भी औरत घर से बाहर परिवार के किसी पुरुष सदस्य के बिना नहीं जा सकती थी। औरतों के लिए बुरका और आदमियों के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी था। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा सिनेमा, म्यूजिक, चेस, पेंटिंग्स, इंटरनेट, फॉरनर्स का वहाँ घूमना, यहाँ तक कि एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स पहनना भी बैन था। और यदि किसी ने तालिबान के नियमों का पालन नहीं किया या फिर उनका विरोध करने की कोशिश भी की तो उनको साथ ही गोली मार दी जाती थी, बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती थी या फिर औरतों को तो कोड़े से मार मार कर उनकी जान तक ले ली जाती थी। तालिबान की जनता पर जुल्म सिर्फ इतने ही नहीं थे बल्कि वहाँ किसी भी लड़की को घर से उठाकर जबरदस्ती उसकी शादी तालिबान के किसी आतंकवादी से करवा दी जाती थी और 12 साल तक के बच्चों को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने काम में डाला जाता था। तालिबान के राज में लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। इनके शासन के दौरान पूरी दुनिया में इनकी आलोचना हुई लेकिन सिर्फ 3 ही देश ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया और वे थे पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि तालिबान आज जहां है उसमें अमेरिका का हाथ है। अब यह बात पूरी तरह से सच तो नहीं है पर इसकी शुरुआत होती है कोल्ड वॉर से, जब विश्व की 2 सुपर पावर सोवियत यूनियन और अमेरिका पूरे विश्व पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थी। उस समय में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और 1989 में बराक कमल को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसी की अपोजिंग आइडियोलॉजी रखने वाले मुजाहिदीन को अमेरिका ने सपोर्ट किया और हथियार भी सप्लाई किए। अब ऐसा इसीलिए किया गया ताकि अफगानिस्तान का कंट्रोल सोवियत यूनियन से हटकर अमेरिका के हाथों में आ सके। यह सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि 1988 में जब डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्ला अफगानिस्तान पर शासन कर रहे थे उन समय पर उन्होंने एक जेनेवा अकॉर्ड्स करके एक पीस ट्रीटी बनाई जो कि साइन हुई पाकिस्तान से और फिर इसी के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति के संबंध रखने का वादा किया गया। सोवियत यूनियन अपनी आर्मी वापस ले लेगी तो अमेरिका भी मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा।
फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन ने आर्मी वापस ले ली, लेकिन अमेरिका ने फिर भी खुफिया तरीकों से मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई किए, जिसका नतीजा हुआ सिविल वॉर। सन 1992 में मुजाहिदीन ने यह सिविल वॉर जीत ली और बरहानुद्दीन रबानी को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को बना दिया। लेकिन उसके बाद ही 1996 में तालिबान ने हमला किया और फिर अफगानिस्तान पर राज करने लगे। अब देखा जाए तो अमेरिका ने तालिबान को कभी भी सीधा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आ रही थी, सरकार अच्छे से काम करने लगी थी, तब मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए और उसका नतीजा हुआ सिविल वॉर। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर लगाकर अफगानिस्तान के लिए टेक्स्ट बुक्स छपवाई, जिनमें वॉयलेंट तस्वीरें थी और ऐसी ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज थी, ताकि उन्हें पढ़कर बच्चे बड़े होंगे तो वो भी कट्टरवाद और वॉयलेंस में फंसे रहेंगे। इन किताबों को बाद में तालिबानियों ने भी पढ़ा। फिर बात आती है 11 सितंबर 2001 की, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया। उस समय पर तालिबान ने उसामा बिन लादेन, जो अलकायदा के लीडर थे, उन्हें भी शेल्टर किया। इसके बाद से ही अमेरिका ने बदला लेने की ठान ली और अफगानिस्तान में कई टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करवाई और दिसंबर 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर निकाल फेंका। और यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में रहकर उनको तालिबानियों के आतंक से बचाती रही। उसके बाद से ही अफगानिस्तान में शांति और तरक्की आनी शुरू हुई और भारत के साथ भी अफगानिस्तान के संबंध गहरे हुए। 2011 में उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में मार गिराया। फिर 2020 में ट्रंप ने तालिबान से शांति के बारे में बात की और कहा कि अगर वह अलकायदा से अपने संबंध नहीं रखेंगे तो यूएस भी अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस सब में अमेरिका का भी कई ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा था। अमेरिकन सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे थे और अमरीकी जनता को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। अब दिखाने को तो अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है और अफगानिस्तान को सपोर्ट करके आतंकवाद से लड़ रहा था, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अमेरिका के वहां रहने का कारण था बदला, जो वो अलकायदा और पाकिस्तान से लेना चाहता था और साथ ही अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव भी रखना चाहता था। और जब अमेरिका का अपना मन आया तो उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अफगानिस्तान को तालिबानियों के हाथ में छोड़ दिया और वहां से निकल लिया। अमेरिका कहता कुछ और है और करता कुछ और। जब 2011 में उसामा बिन लादेन की हत्या की गई थी, उसके बाद भी अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में ही रखी। जब 2011 में उसामा बिन लादेन की हत्या की गई तो उसके बाद भी अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में ही रखी और वहां अपना प्रभाव बनाए रखा। लेकिन इस समय जब तालिबान पूरी पावर में था, उसके बावजूद वह अफगानी जनता को मुसीबत में छोड़कर वहां से चले गए। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में पॉलिसी बनाई थी, उसी पॉलिसी को फॉलो किया जो बिडन ने, जो कि अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने फैसला लिया कि मई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक अमेरिका अपनी आर्मी को वहां से वापस बुला लेगी। अब इस समय पर तालिबान बेहद शक्तिशाली बन चुका था और मौका देखते हुए तालिबान ने साथ ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस सब कुर्सी के खेल में सिर्फ अफगानिस्तान की जनता पिस रही है। लोगों में दहशत का माहौल है और लोग किसी भी तरह से देश छोड़कर जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है और लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उस नरक से बाहर निकल पाएं। इस समय तालिबान को वर्ल्ड सपोर्ट की ज़रूरत है और इसीलिए तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया में बोला है कि वह अफगानिस्तान का भविष्य बनाने आए हैं और आतंक फैलाने नहीं। पर हर तालिबानी के हाथ में बंदूकें और हथियार बहुत आम सी बात है, इससे भविष्य कैसे बनेगा? तालिबान मीडिया में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और लोगों को पूरे अधिकार देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ तक कि वहाँ का इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है ताकि लोगों की आवाज़ दबा दी जाए। इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया पर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों की भी हत्या कर दी गई है। इसी बारे में अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफ्फारी कहती हैं, तालिबान शरिया कानून की बात कर रहे हैं, वो कैसा कानून है? मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी बहुत सी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, मैं कुरान शरीफ की हाफिज हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान की महिलाएं क्या चाहती हैं। अब बात यहाँ आकर ख़त्म होती है कि अफगानिस्तान की स्थिति इस समय बहुत गंभीर है।
अगर हम बात करें भारत की, तो भारत सरकार ने भी अपनी एम्बेसी के सभी कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा तालिबान के इस कब्जे का नुकसान भारत को झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसी के साथ अफगानिस्तान के साथ जो भारत के अच्छे संबंध थे वो तो खत्म होंगे ही, और जो भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भविष्य में भारत पर आतंकी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में बात आती है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। जब ऐसे हमले होते हैं तो सबसे पहले टारगेट पर माइनॉरिटीज ही आती हैं, जिन्हें तालिबानी पहले भी देखकर ही गोली मार दिया करते थे। तो इस समय चाहे अफगानिस्तान की पूरी जनता पर खतरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ की माइनॉरिटीज पर, जो हैं हिंदू और सिख। जब बाकी देशों में इन माइनॉरिटीज पर ऐसे खतरे की बात आती है तो CAA की भी ज़रूरत नज़र आती है, और इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं बचता। फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो है अफगानिस्तान की बेकसूर और बेबस जनता के लिए दुआ। जय हिंद।